Good morning, student. Today we will study class 7, social and political life, lesson 1. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे political and social and political life के class 7 के social and political life के lesson 1 को, जिसका नाम है on equality. इक्वालिटी कहने का मतलब है कि समानता. चलिए हम आपके सामने दो उदाहरण, एक अपने तरफ से और एक आपके बुक के तरफ से प्रस्तुत करेंगे. पहला उदाहरण मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहता हूँ. आप लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं और क्लासरूम में क्या टीचर ऐसा करते हैं, किसी बच्चे को विशेष बताते हैं और किसी बच्चे को कम बताते हैं. ऐसा तो नहीं होता है ना. टीचर अगर पढ़ाते हैं बोर्ड पे तो बोर्ड की पढ़ाई सभी बच्चों के लिए करते हैं. बुक्स पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं. किताबें पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं. तो ये मेरे तरफ से एक एग्ज़ाम्पल हो गया. दूसरा एग्ज़ाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, एक कांता नाम की एक औरत है जो काम करती है लोगों के यहाँ घूम घूम कर. उसकी कहानी दी हुई है जिसमें उसके कहानी से दर्शाता है कि हमारे समाज में इक्वलिटी कैसे है. तो ये आपके बुक में सबसे ऊपर एक फोटोग्राफ दिया गया है जिसमें अनेक समुदाय के लोग एक ही लाइन में खड़े हैं. यहाँ तक कि उस लाइन में कांता भी खड़ी है और उस लाइन में वह व्यक्ति भी खड़ा है जिसके घर पे कांता काम करती है. यानी कहने का मतलब है, और वह लाइन है वोट करने का, यानी कि लोग अपना कास्ट करने जा रहे हैं वोट को, और वोट करने के लाइन में सभी लोग समान रूप से खड़े हैं. जैसे उसी लाइन में कांता भी खड़ी है, उसी लाइन में टीचर भी खड़े हैं, उसी लाइन में स्टूडेंट भी खड़ा है, उसी लाइन में इंडस्ट्रियलिस्ट भी खड़े हैं. और सभी लोग किस लिए खड़े हैं, तो सभी लोग वोट देने के लिए खड़े हैं. और ये दर्शाता है कि हमारे समाज में इस वोट करने के लिए सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं. और ये हमारे समाज की एक प्रकार से इक्वलिटी को दर्शाता है. अब फिर हम आपके किताब में आगे बढ़ते हैं कि राइट, इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट. तो एवरी वन दैट हु 18 ईयर ओल्ड एंड अबव, वैसे व्यक्ति या लोग जो हमारे बीच हैं और 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हैं, तो उन्हें डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में अपना मतदान करने का अधिकार है. और ये अधिकार हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा मिलता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार देश में जो भी नागरिक 18 या 18 से ज़्यादा हैं उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है. तो ये आपका इक्वल राइट और टू एक वोट हो गया. जैसे कि हमारे देश में अगर एक गरीब मजदूर है तो उसका भी वोट एक ही है, और एक अगर अमीर है तो उसका भी वोट एक ही है. यानी कि इस प्रकार से यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति को मत करने का यानी वोट करने का अधिकार है. अगला पॉइंट हम बढ़ते हैं कि इसके अलावा, ये तो मान लीजिए कि इक्वलिटी हो गई, इसके अलावा हमारे समाज में बहुत से प्रकार की इनइक्वलिटीज भी हैं. रीज़न क्या है, तो भारत में पौराणिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की गई थी, कास्ट सिस्टम किया गया था, और जिसके कारण हमारे समाज में बहुत सारे छुआछूत और भेदभाव अब तो लगभग नहीं है, लेकिन 90 के दशक में या जब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया उस समय लगभग थे, लेकिन अभी पुराने तर्ज पे भी उसको लेकर चला जा रहा है. तो सबसे पहले समझेंगे कि इनइक्वलिटी कैसे शो होती है. तो आपके बुक में दो कहानी दिया गया है. पहला कहानी दिया गया है
आपका एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी दी गई है और दूसरा एक अंसारी दंपति की कहानी दी गई है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी, एक उन्होंने किताब लिखा था जिसका नाम है जूठन, और जूठन में उन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपनी बायोग्राफी लिखी है, और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वे विद्यालय जाते थे तो उनके वे एक क्या बोलते हैं कास्ट से दलित थे, और दलित यानी कि जो हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था की गई है उसमें पौराणिक पुराने ज़माने में उसको निचले स्तर का माना जाता था, लेकिन अब तो लगभग समानता बहुत जगहों पे आ चुकी है। जितनी शिक्षा का विस्तार होते जा रहा है, लोग इसके प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। और इसमें कहानी में उन्होंने बताया है कि विद्यालय में सारे बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई करते थे और टीचर उनसे स्कूल की सफाई, स्कूल के फील्ड की सफाई, खिड़की की सफाई, दरवाजे की सफाई करवाते थे। यानी कि टीचर उनसे कहते थे कि आपको पढ़ना नहीं है, आप दलित हो, आपको इसके लिए बस आप बच्चों के बीच में नहीं रह सकते हो, आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तो उनके पिताजी ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बच्चा विद्यालय पढ़ने के लिए आता है, न कि साफ सफाई करने के लिए आता है। दूसरी कहानी है अंसारी दंपति की, जो कि नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि मांसाहारी भोजन करते हैं, और ये लोग दोनों दंपति एक एजेंट के द्वारा अपने लिए अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन इनके नाम के कारण कोई भी अपार्टमेंट वाला इनको अपना अपार्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह जो एजेंट होता है वो बोलता है कि एक बार आप लोग अपना नाम बदल के अपार्टमेंट के लिए चलिए, आपको अपार्टमेंट मिल जाएगी। तो ये दोनों कहानी ये दर्शाती है कि समाज में धर्म के प्रति, जाति के प्रति बहुत ही कुव्यवस्थित असमानता है जो हमें एक दूसरों से अलग करता है। इसे समझने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक अगला पॉइंट आपका आता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी क्या बतलाता है, तो इस स्थिति में जिनकी दोनों स्टोरी हम आपको बताए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारी दंपति की, तो ये दोनों स्थितियों में जो इनके मन पे गुजरी है वही आपका रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी है। यानी कि दोनों अपने धर्म के कारण, अपने जाति के कारण कुछ स्थिति तक परेशान हुए और यही स्थिति रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी कहलाती है। इसका एक एग्जांपल आपको एक मूवी में भी देखने के लिए मिला है, जो भारत में 1975 में मूवी बनी थी दीवार, उसमें शू पॉलिश के बाद शू पॉलिशर्स को पैसे फेंके जाने पे वह नहीं उसको उठा पाता है, क्योंकि उस क्यों क्या होता है, एक तो वो मेहनत किया होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी डिग्निटी जो होती है हर्ट होती है, जिसके कारण वह उस पैसे को लेने से मना कर देता है। इस प्रकार से डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इक्वलिटी इन इंडिया। तो भारतीय संविधान का जो पहला अधिकार है, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो सबसे पहला अधिकार इक्वलिटी ही दिया गया है। यानी कि भारत में जितने भी नागरिक हों, चाहे वो किसी भी वर्ण व्यवस्था में हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वे स्वतंत्र रूप से भारत के एक नागरिक हैं और उनका भारतीय वस्तुओं पे उतना ही अधिकार है जितना उच्च वर्ग के लोगों का है और निम्न वर्ग के लोगों का है। यानी कि सभी का अधिकार भारतीय संपत्ति पे एक समान है, यही हमारे भारतीय इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का मतलब है। अगला हम पॉइंट जानेंगे इक्वल बिफोर लॉ। अब इक्वल बिफोर लॉ क्या होता है, यानी कि भारत में कानून व्यवस्था जो है उसके नज़र में सभी लोग एक समान हैं, भले ही आज के दौर में व्यवस्था करप्ट होने के कारण ये व्यवस्थाएं अच्छी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, वो किसी की व्यक्तिगत
अपराध के कारण। लेकिन हमारे संविधान ने जो प्रावधान दिया है कि चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, भले कितना भी धनवान हो, अगर उन्होंने क्या किया है, कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए वह दंड के अधिकारी हैं, तो उन्हें भारतीय संविधान के अनुसार वही दंड मिलेगा, वही उनको सजा मिलेगी। इक्वल बिफोर लॉ का तात्पर्य हुआ कि अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, आपके विद्यालय से जुड़े, अगर आपके क्लासरूम में कोई गलती करने पर टीचर आपको दो छड़ी का दंड रखा है, तो वह गलती भले वर्ग का मॉनिटर क्यों ही ना करे, अगर वह गलती मॉनिटर करता है तो भी उसको दो ही छड़ी लगेगी, और कोई अदर बच्चा करता है तो उसको भी दो ही छड़ी लगेगी। उसी प्रकार से इस देश में अगर वह गलती कोई पुलिस प्रशासन नेता या कोई भी करता है, उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक आम जनता के लिए उस कार्य के लिए दंड होगा। जैसे कि चोरी करना, तो चोरी करने के लिए जो दंड एक आम नागरिक के लिए होगा, वही एक बड़े व्यक्ति के लिए, बड़े यानी कि नेता या कोई पुलिसकर्मी के लिए भी वही दंड होगा। कहने का तात्पर्य है कि कानून के नज़र में भारत के हर नागरिक एक समान है, एक समान है, कोई किसी से अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रही बात डेमोक्रेसी में इक्वलिटी और अनइक्वलिटी की बात, तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि भारत के अलावा बहुत बाहरी देशों में ही है। एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे, जैसे कि अमेरिका में स्लेव्स आए थे, अमेरिका में स्लेव्स आए थे जिसको अफ्रीकन बोला जाता है, यानी कि अमेरिका में भी इस प्रकार की इनइक्वलिटी चलती रहती है। ब्लैक्स जो होते हैं उनको वाइट्स द्वारा डिनाइड किया जाता है और उन्हें उनके इक्वल में अधिकार नहीं दिए जाते हैं, और इक्वल में अधिकार नहीं दिए जाने के कारण क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। जैसे अब एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं, इसके लिए भी 1955 में क्या हुआ था, रोजा पार्क नाम की एक औरत ने बस में बैठी थी और इसी के साथ वाइट लोगों ने उनको बोला कि तुम सीट छोड़ के खड़ी हो जाओ, लेकिन वो सीट छोड़ करके खड़ी नहीं हुई, और इसी कारण यही स्थिति आगे चल करके क्या हो गया, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 1964 में एक क्रांति छिड़ गई, जिस क्रांति का नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। और सिविल राइट्स मूवमेंट में ब्लैक्स अमेरिकन जो थे, अफ्रीकन अमेरिकन उनको कहा जाता है, वो अपने अधिकार के लिए अमेरिकन यानी कि वाइट्स अमेरिकन के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिए। ये आपका लेसन लगभग कंप्लीट हुआ, मेन पॉइंट को हमने चर्चा किया है। आप लेसन को शुरू से अंत तक एक बार पढ़ेंगे, अगर आपको कहीं भी समस्या आती है तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क करेंगे, और इसके साथ आप लेसन को पढ़ने के बाद उसमें दिए हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। और जैसे कि आप पिछले वर्ग में अपने नोट्स की तैयारी करते थे, पहले डिफिनीशन ऑफ द लेसन, जो आपके लेसन का मेन डिफिनीशन होगा उसको करेंगे, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और सभी को करने के बाद आप अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।